बर्बाद हो रहा है। अरे वही देश बर्बाद भी हो रहा है, बिका भी जा रहा है, जो भी हो सुनिए हमारी बात। हाँ। ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा, आप इसी में पड़े हैं, सुनिए। हाँ। कहना है कि बुद्ध की धरती पापा का संविधान चाहिए। संभव तब पर हुई जब बहन जी की सरकार आई, तब कितने लोग समर्थन में हैं, जो लोग सभी लोग समर्थन में हैं। हाँ। ये कैमरा उधर उधर रुक कर दो, देखो कितने लोग समर्थन में हैं। क्या बात है कि बुद्ध की धरती बाबा का संविधान चाहिए, कि बुद्ध की धरती बाबा का संविधान चाहिए। अब तो माया बहन की भारत में सरकार चाहिए, बंद कर दो। अब तो मायावती की भारत में सरकार चाहिए, पड़ती है भारत की मजबूरी है। मान्यवर कांशीराम साहब ने नारा दिया था, आज उस नारे का हनन हो रहा है। जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी, का घंटा बजाए से रोजगार मिली साहू लड़ाई काशी का विचार चाहिए। अब तो मायावती की बहन की भारत में सरकार चाहिए, अब तो मायावती बहन की भारत में सरकार चाहिए, महापुरुषों का जो था सपना, राजपाट सब ले लो अपना, अपना राजपाट सब ले लो, अपना राजपाट सब ले लो, अपना राजपाट सब ले लो। महापुरुषों का जो था सपना, राजपाट सब ले लो अपना, और ताज दोनों। आय हाय हाय, सबको चाहिए। यानी तैयारी हो चुकी है 2024 की बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की। बिल्कुल। तक का हमारा और भारत वाला ताज चाहिए, कि अब तो मायावती की, हमारी माया बहन की,
और बाबू ये जिला अध्यक्ष जी की तरफ से पुनः 200 रुपए का अंशदान प्राप्त हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद, कहना क्या है? वोट डालने जाएंगे, बहन जी लगी हुई है, मिसलनी संगठन लगे हुए हैं कि ईवीएम को हटा दिया जाए, और जब ईवीएम हट जाएगी ना तो ये लोग जमीन पर धराशायी हो जाएंगे। ये हराम का खाने की जो आदत हम लोगों की डाल रहे हैं, इनको पता नहीं है कि बहुजन समाज भी जाग सकता है। एक दिन बहुजन समाज का नाम था, और बहन जी की जैसे सरकार आएगी इन लोगों की सत्ता पिट जाएगी, कहना क्या है? वोट डालने जाएंगे, हाथी की पटन दबाएंगे, सर्व समस्या एक निदान, सर्व समस्या एक निदान, सर्व समस्या एक निदान, सर्व समस्या एक निदान,